दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय सूर्य स्टील फैक्ट्री, देहरी कॉलेज रोड, ढसोली। यहाँ पर मकान व शेड पर डालने वाली रंगदार चादरें बनाई जाती हैं। स्कीयर पाइप, एंगल डीलर अंबुजा सीमेंट बसरिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816055467 पर। जिला अस्पताल बिलासपुर में पिछले 4 सालों से खराब पड़ी सीटी स्कैन व अल्ट्रासाउंड की मशीन व स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के साथ ही डॉक्टर्स की कमी के मुद्दे पर बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने जिला अस्पताल के एंट्री गेट पर धरना दिया। वहीं इस सांकेतिक धरने में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व विधायक का समर्थन किया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि बिलासपुर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा का गृह जिला होने के बावजूद जिला अस्पताल में बीते लंबे समय से सीटी स्कैन व अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब पड़ी है, जिसके चलते मरीजों को चेकअप के लिए प्राइवेट लैब का रुख करना पड़ता है। वहीं अपने धरने को लेकर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो सुविधाएं जिला अस्पताल में दी गई थी वह सभी बंद कर दी गई हैं, जिसके चलते सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड की मशीनें खराब हैं, तो साथ ही इमरजेंसी किस्त में शुरू की गई ओटी भी बंद है, जिससे जिला के मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल की खस्ता हालत के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराते हुए मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों के घेराव की चेतावनी भी दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी का जिला है, उनका अस्पताल है। वो यहाँ पर कहते थे कि इस अस्पताल में आना होता है अपनी मर्जी का, जाना जो है वो मर्जी का नहीं होता, जाना आदमी की डेड बॉडी जाती है, वो ये कहते थे। लेकिन आज इस अस्पताल के अंदर हमने मूलभूत सुविधाएँ जो हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने दी थी, वो बंद कर दी गई हैं। यहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर सीटी स्कैन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक्सरे नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर डेंटल के जो है ऑपरेशन थे वो नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे ओपीडी बंद कर दी है। यहाँ पर जो ओटी जो हमने बनाई थी, यहाँ पे जो इमरजेंसी में जो ऑपरेशन होते थे वो बंद कर दिए हैं। तो आम आदमी का ऑपरेशन अस्पताल के अंदर नहीं होगा, आम आदमी के टेस्ट अस्पताल के अंदर नहीं होंगे, और आम आदमी को सारे टेस्ट करवाने के लिए बाहर के क्लिनिकों में जाना पड़े यदि, तो ये डबल इंजन की सरकार, ये नड्डा की सरकार, ये कड़छी बाटी वाले की सरकार, और यहाँ पर यदि इस प्रकार की लूट खसूट चल रही हो, और यहाँ पर यदि पैसे का लेन देन चल रहा हो, कमीशनखोरी हो रही है, तो इस कमीशनखोरी के खिलाफ हमने यहाँ पे आज धरना दिया हुआ है। और हम ये स्वास्थ्य मंत्री से और मुख्यमंत्री से डिमांड कर रहे हैं कि जो MS और SMO यहाँ पे बिठाले हुए हैं, जो सैनिटाइजर घोटाला कराया जिन्होंने, जो इस व्यवस्था को ठीक नहीं कर रहे हैं, उनको सस्पेंड करें। हमारा धरना जारी रहेगा जब तक ये मशीनें ठीक नहीं होंगी, ये हम इनको बताना चाहेंगे। उसके बाद इनका घेराव भी होगा, और यदि यहाँ से उठेंगे तो उनके घर में जाके इनका घेराव करेंगे, ये मैं आपको बताऊँ। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा।
घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मैं दिनेश कुमार, सचिव दी बिलासपुर कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित, तहसील हरिपुर, ब्लॉक नगोटा सूर्य से 15 अगस्त 2021 के 70 वर्ष पूरे होने पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में मैं ये भी संदेश देना चाहता हूं कि आजादी तो हमने 1947 से प्राप्त कर ली है, लेकिन पिछले कोविड-19 से जो हमें कोरोना की गुलामी मिल रही है, इससे हमें आजाद होने के लिए उस दिन जहां भी 15 अगस्त 2021 का प्रोग्राम किया जाएगा सार्वजनिक स्थानों के ऊपर, वहां पे हमने मास्क का और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। और देश की आजादी और कोरोना की आजादी ही हमारी असली लड़ाई है। और मैं सभी को फिर से देशवासियों को आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।